अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जो है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, जो आपके कोर्स कंटेंट्स के अंदर हमने उसको डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म बाय विच दे अकर। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं और उनका किसी भी रिएक्शन का कौन सा वे है, किस कितने स्टेप के थ्रू वो जो है कंप्लीट हो रहा है, तो वो जो है हमारे पास उसका मैकेनिज्म आ जाता है। तो हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं और साथ साथ उसके अंदर कितने स्टेप्स हैं, या उसका हम सिंपली कह देते हैं मैकेनिज्म को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, ईच केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज बाई अ थर्मोडाइनमिक्स एंड काइनेटिक कंसिडरेशन। कि हम जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम उसके थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स को भी देख रहे होते हैं और उसके काइनेटिक पैरामीटर्स को भी देख रहे होते हैं। तो थर्मोडाइनमिक्स में हम क्या कर रहे होते हैं, वी आर मेनली कंसर्न अबाउट दी रिलेटिव स्टेबिलिटीज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम एंड नॉट विद दी पाथवे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। कि अगर हम ये बात करें कि थर्मोडाइनमिक्स में हम क्या देखते हैं कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ठीक है, वो कितना स्टेबल है हमारे पास प्रोडक्ट, मीन हम एंथाल्पी, एंटॉपी और गिव फ्री एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, या थर्मोडाइनमिक्स में हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम स्टेट पे लेके फिर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन साथ साथ हम ये नहीं देखते कि सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो जा रहा है, ठीक है, वो वहां पे जैसे हम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या पाथ फॉलो कर रहा है, कि मीन उसके कितने स्टेप हैं, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे होते। लेकिन जो स्टेप्स हैं, जो वे वो फॉलो करता है कोई भी रिएक्शन, उसको हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड व्हाइल स्टडिंग द केमिकल काइनेटिक्स वी आर कंसर्न विद नॉट ओनली हाउ फास्ट द रिएक्टेंट गेट ट्रांसफॉर्म इंटू प्रोडक्ट। कि हम ये देखते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट्स हैं वो कितनी देर में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, बट ऑल्सो द सीक्वेंस ऑफ ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस विच अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। कि एक तो हम ये देखते हैं कि रिएक्शन स्लो है, फास्ट है, इंटरमीडिएट है, और या फिर उसके साथ जो है कि कितने स्टेप के अंदर वो कंप्लीट हो रहा है, चाहे उसके अंदर एक स्टेप में कोई प्रोसेस एक प्रोसेस हो रहा है, दूसरे में दूसरा प्रोसेस हो रहा है, तो वो जो उसका मैकेनिज्म है उसको स्टडी करें। और रेट ऑफ रिएक्शन, रेट क्या होता है, स्पीड, ठीक है, कि कितनी किसी भी रिएक्शन की स्पीड है, कोई फास्ट है, कोई स्लो है, कोई इंटरमीडिएट है, तो उसको हम स्टडी करते हैं। देयरफॉर द एम्स ऑफ स्टडिंग द केमिकल काइनेटिक्स आर टू डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली दी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन दी पैरामीटर सच एज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। ठीक है, पहला हम क्या, हमारा मेन एम्स क्या होता है कि हम रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करते हैं कि कोई रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, उसका रेट कॉन्स्टेंट कितना है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, और डिफरेंट पैरामीटर्स जो है हमारे पास, यानी कि हम कंसंट्रेशन को चेंज करें तो रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, हम टेम्परेचर को चेंज करें तो क्या इफेक्ट है, हम कैटलिस्ट ऐड करें तो उसका क्या इफेक्ट आएगा किसी भी रिएक्शन के ऊपर। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं और जो फैक्टर्स रेट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि हम किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म भी साथ साथ स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास मेन एम्स आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एट अ डेफिनेट रेट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक रेट के ऊपर हमारे पास जो होता है केमिकल रिएक्शन वो प्रोसीड आउट हो रहा होता है, और वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास जो जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होती हैं। सम ऑफ रिएक्शन आर वेरी फास्ट, कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए हमें स्पेशल टेक्निक्स चाहिए होती हैं कि जो जल्दी से रिएक्शन की स्टडी कर सके। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल आपको यहाँ दी जा रही है, प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड डीक्लोराइजेशन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट विद दी फेरिक आयंस आर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन मीन्स के जो बड़ी जल्दी से कंप्लीट हो जाते हैं हमारे पास किसी भी
सेकेंड्स के अंदर, ठीक है, या सेकेंड से भी नैनो सेकेंड में अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, ये इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हैं। ऑन द अदर हैंड देर आर सम स्लो रिएक्शन विच टेक अ लॉन्ग टाइम टू कम्प्लीट। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि बहुत देर से कम्प्लीट हो रहे होते हैं हमारे पास, जैसा कि रस्टिंग ऑफ आयरन है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन मीन जैसे लोहा है उसको जो जंग लगना है, तो ये तो नहीं होता कि जैसे ही आप लोहे को आप एयर में रखते हो या मॉइस्चर में रखते हो तो उसको उसी टाइम जंग लग जाता है, उसको आस्ता आस्ता से जंग लगता है। ठीक है, इसी तरह फिक्सेशन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी नहीं है कि बैक्टीरिया जो है प्लांट्स वगैरह के अंदर है वो एटमोसफेयर से ही नाइट्रोजन लेके नाइट्रेट्स वगैरह या फूड बना रहे होते हैं ना। ठीक है, तो ये तो नहीं है कि जैसे ही बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए तो वो उसी टाइम सारी नाइट्रोजन एटमोसफेयर के अंदर से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये स्लो स्लो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब फास्ट रिएक्शन क्यों थे कि वो देखो कि सिल्वर क्लोराइड की प्रेसिपिटेशन है, जैसे ही आपको पता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयंस की फॉर्म में अलहदा अलहदा रहते हैं, जैसे सोडियम एक अलहदा आयन होगा, क्लोराइड जो है वो नेगेटिव आयन हमारे पास अलहदा से होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि ये आपस में तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उनके इर्द गिर्द जो है सॉल्वेंट के आयंस होते हैं, तो ये आयनिक फॉर्म में है, इनके कोई बॉन्ड नहीं होते इनके दरमियान में स्पेसिफिक, जैसे कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, जब ये ऑपोजिट आयन के साथ कंबाइन कर रहे होते हैं तो ये क्या हो जाता है, जल्दी से हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। एक्चुअली सिल्वर नाइट्रेट को जब हम कंबाइन करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ तो वो क्विकली रिएक्शन होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि फास्ट रिएक्शन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि वेरी स्लो रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अब इन फास्ट एंड स्लो रिएक्शंस के दरमियान के जो रिएक्शंस हैं जिनको हम लेबोरेटरी में स्टडी कर रहे होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट रिएक्शंस हैं। ठीक है, बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स ऑफ स्लो एंड फास्ट रिएक्शन देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विद द मेजरेबल रेट, के हम इनके रेट्स को बड़ा इजीली मेजर कर सकते हैं लैब के अंदर। देखो स्लो रिएक्शन हैं उनको भी डिटर्मिन करना मुश्किल है, और जो फास्ट रिएक्शन होते हैं उनको भी डिटर्मिन करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, और लेबॉरेटरी में हम जो कर रहे होते हैं वो हम ये कह सकते हैं कि ये मॉडरेट रिएक्शंस हैं जिनका रेट हम इजीली लैब्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट एंड डीकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हमारे पास इथाइल एसीटेट है, उसकी वाटर के अंदर जो प्रेजेंस, वाटर की प्रेजेंस के अंदर हमारे पास क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल के अंदर। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने टाइट्रेशन की हुई है तो एसिड बेस टाइट्रेशन के थ्रू हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट में हमारे पास एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम यहाँ पे ना कैटलिस्ट भी ऐड कर रहे होते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है, तो वो उसको बेस के अगेंस्ट हम इसको टाइट्रेट कर लेते हैं तो वहां से हमें रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरह हमारे पास क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इंटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो ये भी हमारे पास क्या है, मॉडरेट रिएक्शन हैं, तो हम इनको भी स्टडी कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स जनरली डील विद दी सच रिएक्शंस के मॉडरेट रिएक्शंस को हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। रिएक्शन में भी क्लासिफाइड काइनेटिकली एज बीइंग आइदर होमोजीनियस। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, जो रिएक्टेंट हैं वो सेम फेज के अंदर हो, मीन जो दोनों रिएक्टेंट अफर्स करें वो दोनों लिक्विड हों, या दोनों रिएक्टेंट हमारे पास क्या है गैस है, या दोनों रिएक्टेंट हमारे पास क्या है सॉलिड हैं, तो यानी एक फेज में अगर रिएक्टेंट्स होंगे तो वो हमारे पास क्या होते हैं, होमोजीनियस हो जाते हैं। अगर रिएक्टेंट्स जो हैं हमारे पास वो डिफरेंट फेजेस में हो, मीन एक सॉलिड है एक लिक्विड है, या एक लिक्विड है और एक गैस है, तो हमारे पास क्या है, हम इसको क्या कह देते हैं, हेट्रोजीनियस काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये सिंपली हम कह सकते हैं कि काइनेटिक्स कैसी हो सकती है, काइनेटिक्स दो तरह की से हो सकती है, कि होमोजीनियस काइनेटिक्स भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस काइनेटिक्स भी हो सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, द आइडिया ऑफ रेट इन केमिस्ट्री इज बेसिकली द सेम एज इन एवरीडे एग्जांपल सच एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ टैप, कि पानी कितना निकल रहा है एक टैप के अंदर से, एक सेकंड में या एक मिनट के अंदर हमारे पास कितना पानी जो है टैप के अंदर से निकल रहा है, द रेट एट विच एन ऑटो ट्रेवल, ठीक है, जो स्पीड ऑफ
आप गाड़ी लेते हो, ठीक है, कार ले रहे होते हो, तो वो कितने किलोमीटर पर सेकंड जो है वो ट्रेवल करी है, तो ये भी उसका रेट ही होता है। इसी तरह वेयर द रेट इज एक्सप्रेस एज क्वांटिटी, ठीक है, वॉल्यूम हो सकता है, मास है या लेंथ है, अचीव इन वन यूनिट ऑफ टाइम, एक टाइम के अंदर कितनी किसी भी क्वांटिटी के अंदर चेंज आ रहा है वो हमारे पास क्या हो जाता है, रेट होता है। इट मे हावर बी रिमेंबर दैट ईच रेट इज द एवरेज रेट ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम चूजन, ठीक है, हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ इंस्टेंटेनियस रेट होता है और एक हमारे पास क्या होता है, एवरेज रेट होता है, ठीक है। एवरेज के वर्ड से आपको पता है, ठीक है, एवरेज हम लेते हैं तो दो पॉइंट्स के दरम्यान की एवरेज लेते हैं, ठीक है, कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दरम्यान में जितने कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो एवरेज रिएक्शन रेट कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो वो क्या होता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट के ऊपर, किसी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो रेट होगा वो हमारे पास क्या होता है, वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं एवरेज रेट को, फिर हम इंस्टेंट रेट को की तरफ आते हैं, ठीक है। दस फॉर अ केमिकल रिएक्शन द एवरेज रिएक्शन रेट में बी डिफाइन एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम, कि हम ये कहते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दरम्यान में कंसंट्रेशन में जितना चेंज आ रहा है वो हमारे पास क्या होता है, हम उसे एवरेज रेट कह सकते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग सिंपल रिएक्शन, के कोई भी आर रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, लेट द कंसंट्रेशन ऑफ आर एट टाइम टी वन, ठीक है, एंड टी टू, जिसमें टी टू ग्रेटर है और टी वन जो है वो लेस है। अब आर की कंसंट्रेशन टी वन पे क्या होगी, आर वन, और आर की कंसंट्रेशन टी टू पे क्या होगी, आर टू। द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर द टाइम इंटरवल मीन डिफरेंस ले लें टी टू माइनस टी वन से, तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे रेट कैसे आ जाएगा, कि आपको पता है रेट निकालते हैं या जो भी आप स्लोप उसको कह रहे होते हैं कि वो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि रेट के लिए कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात हो रही है, तो रिएक्टेंट्स पहले क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और बाद में रिएक्टेंट जैसे रिएक्शन प्रोसीड आउट हो रहा होता है तो उसकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। तो फाइनल हमारे पास क्या है, आर टू, तो इसलिए आर टू माइनस आर वन कर देंगे और डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, चेंज को हम डेल्टा से शो कर रहे होते हैं, तो डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी भी आ जाती है हमारे पास, सिंस आर टू इज लेस देन आर वन। क्या आपको पता है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड आउट हो रहा होता है तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या हो रही होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसीलिए अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो आर टू इज लेस देन आर वन, वी इंट्रोड्यूस द माइनस साइन सो दैट द रेट विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो रेट को पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम इसके लिए माइनस साइन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। यहाँ आप सिंपली कह रहे हैं माइनस साइन क्यों आ रहा है, कि इलेक्ट्रॉन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहे होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आ जाता है। अगर हम इसी चीज को प्रोडक्ट के लिए लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन लगाते हैं, इसलिए कि क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही होती है। द रेट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, कि हमने जैसे रिएक्टेंट के लिए रेट को लिखा, हम क्या कर सकते हैं उसको प्रोडक्ट के लिए लिख सकते हैं। इन दिस केस वी मे राइट एज रेट इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। अब पी टू क्या होगा, प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। इन दिस केस वी हैव पी टू इज ग्रेटर देन पी वन, वी इंट्रोड्यूस अ पॉजिटिव साइन सो दैट रेट विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन, इट डिक्रीज विद द टाइम। कि हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर देखें हम टाइम के साथ प्लॉट बनाए तो पहले क्या होता है कि शार्प स्लोप आ रही होती है, और आस्ते आस्ते स्लोप की वैल्यू भी यहाँ पे अगर आप निकाल लें तो स्लोप की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। मीन रेट पहले स्टार्ट पे क्या था, ज्यादा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होके कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो
तो आपको, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को तो बड़ी क्लियरली इस चीज़ का आइडिया है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप स्टार्ट पे ज़्यादा है और आस्ता आस्ता स्लोप जो है वो कम होती जाती है, तो इसके हम कहते हैं कि रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म नहीं रहता, बल्कि टाइम के साथ साथ ये क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। हेंस एवरेज रेट ऑफ फ्रैक्शन इज नॉट हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ फ्रैक्शन काइनेटिक्स। तो मोस्टली हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे होते हैं, कि एवरेज रेट की बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। सिंस दिस इज ओनली एन एवरेज क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, ठीक है। कि हम एवरेज ले रहे हैं तो किसी दो टाइम इंटरवल के दरम्यान में हम ले रहे हैं, किसी दो टाइम इंटरवल का फर्ज करें 1 और 2 के दरम्यान में ले रहे हैं तो वो और होगा, 4 और 5 के दरम्यान में लोगे वो और होगा, 9 और 10 के दरम्यान में लोगे तो डेल्टा टी जो है, ठीक है, वो तो चाहे 1 है लेकिन रेट उसके लिहाज से क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि एक रेट की एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती जब हम क्या करें कि डेल्टा टी के लिहाज से या एवरेज रेट ले रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो उसकी बजाय हम इंस्टेंटेनियस रेट ले रहे होते हैं। इन प्रैक्टिस वन हैव टू नो द रेट ऑफ फ्रैक्शन एट एनी मोमेंट, कि हमें स्पेसिफिक टाइम इंटरवल की बजाय हमें क्या चाहिए होता है, हमें किसी एक मोमेंट के ऊपर रेट ऑफ फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं हम, ठीक है। दिस इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रैक्शन विच इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मीन कि किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो चेंज आ रहा है, किसी एक लम्हे पे जो चेंज आ रहा है, हम वो मेजर करना चाहते हैं। तो वो किसी लम्हे पे, किसी इंस्टेंट पे जितने भी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, ये जितनी भी कंसंट्रेशन है वो हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस, एज डेल्टा टी अप्रोचेस स्मॉलर एंड स्मॉलर इवेंचुअली अप्रोचेस टू जीरो, यानी डेल्टा टी जीरो हो गया तो किसी एक एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पे ही हमारे पास क्या होगा ना, हम टाइम ले रहे हैं तो किसी उस पे जो रेट होगा वो हमारे पास क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट। द रेट ऑफ फॉरगोइंग रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम इज गिवन बाय, तो हम किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर क्या करें, वो जो डेल्टा था वो लार्ज चेंज के लिए था तो उसकी बजाय हम डी लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया, कि डी डी आर ओवर डी टी आ गया, या फिर ये इक्वल होता है हमारे पास इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी पी ओवर डी टी। ये आप लोगों को स्केयर ब्रैकेट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है कि ये स्केयर ब्रैकेट आपको बता रही है कि ये जो कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं, यानी ये कंसंट्रेशन टर्म है, और कंसंट्रेशन हम किस में लेते हैं, मोलैरिटी की टर्म में या मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की टर्म में ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको स्केयर ब्रैकेट में शो कर रहे होते हैं। एंड डीलिंग विद मोर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन द रेट मस्ट बी एक्सप्रेस इन एन अनएम्बिगुअस मैनर्स। सपोज द रिएक्शन ऑफ द इंटरेस्ट इज नाउ के रेट जो है या इलेक्ट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट जो है वो 2 टाइम्स बन रही है और इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक मोल जो है कंज्यूम हो रहा है और प्रोडक्ट के 2 मोल बना रहा है। तो इसके लिए आप रेट सिंपल तो नहीं होगा, ठीक है। अब इसके लिए रेट ये नहीं हो सकता कि रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, ठीक है। अब क्यों सिंपल नहीं हो सकता, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का तो 1 मोल है तो वो कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट के 2 मोल बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बन रही है एज कम्पेयर टू जितना हमारे पास जो है रिएक्टेंट है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि फिर हम रेट को मॉडिफाई कर लेते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट इज अपेयरिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द रिएक्टेंट इज डिसअपेयरिंग, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो है वो डीकम्पोज होके 2 एटम में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो ये उस तरह का रेट हो सकता है। तो इसके लिए हम रेट क्या लिखेंगे कि अगर रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी पी ओवर डी टी। ये जो कोफिशियंट होते हैं, यानी आर से पहले जो उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं या प्रोडक्ट से पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है, अगर रेट हमने निकालना होता है। तो यहाँ पे आर के साथ क्या था, 1, तो ये 1/1 इसके लिए आ जाएगा और प्रोडक्ट के लिए क्या है, 1/2 आ जाएगा। या अगर आप सिंपल इस फ्रैक्शन को लिखना चाहें कि
हमारे पास क्या है, दो रिएक्टेंट है ए और बी, उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हमारे पास क्या है प्रोडक्ट में कन्वर्ट बनी है सी एंड डी प्रोडक्ट बने, और उनके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होते हैं सी और डी हो, तो हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता है रिएक्टेंट के साथ माइनस का साइन आना है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी है, और प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन आना है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होती है वो इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। और इनके जो कोफिशियंट है या नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे 1/a आ गया, 1/b आ गया, और 1/c एंड 1/d आ गया, ठीक है। वेयर ए बी सी एंड डी मीन ये इनकी कंसंट्रेशन टर्म है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी एंड डी इन मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर एट टाइम टी। दिस लीड टू अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द रिएक्शन रेट एज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है, कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन टर्म है चाहे ये रिएक्टेंट की हो या प्रोडक्ट की हो, डिवाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, के जो उसके एप्रोप्रिएट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है मीन कि 1 मोल है 2 मोल है किसी भी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के, तो वो उसके साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे हम इसके साथ, ठीक है। अब यूनिट्स रेट की क्या हो सकते हैं, अब आपको पता है कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास यूनिट भी इसके यही बनेंगे। हमारे पास रिएक्शन रेट हैज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय मोल्स या मोलैरिटी, कैपिटल एम जो है वो मोलैरिटी की टर्म में यूज होता है, ठीक है, मोलर पर सेकेंड या मोलैरिटी पर मिनट आ गया, ठीक है, या जिसको हम मोल्स पर डीएम क्यूब लिख रहे होते हैं, या वो एक्चुअली होती तो हमारे पास मोलैरिटी है ना, मोलर सॉल्यूशन। फॉर गैशियस प्रेशर यूनिट्स आर यूज इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, लिक्विड होगा सॉल्यूशन होगा तो हम क्या कर सकते हैं कंसंट्रेशन यूज कर रहे होते हैं, और अगर गैस में रिएक्शन जो है तो फिर हम उसका प्रेशर यूज करते हैं। सो द रिएक्शन कुड बी एक्सप्रेस इन एटीएम पर सेकेंड या एटीएम पर मिनट, ठीक है। टाइम अगर हमारे पास सेकेंड है, मिनट है, आवर्स में है या ईयर्स में है, तो उसके लिहाज से वो पर सेकेंड पर मिनट पर ईयर आ जाएगा, और प्रेशर अगर होगा तो वो एटीएम प्रेशर में आ जाएगा, और दूसरा अगर कंसंट्रेशन है तो वो मोलैरिटी की टर्म में आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन से बेसिक मेथड होते हैं हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए, तो बेसिक मेथड तो हमारे पास वही है कि कोई केमिकल मेथड होता है और कुछ जो है वो फिजिकल मेथड होते हैं हमारे पास, ठीक है। केमिकल मेथड है और फिजिकल मेथड है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए। इन काइनेटिक स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट इज अ सूटेबल एनालिटिकल प्रोसीजर विच वुड एनेबल अस टू डिटरमिन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, के हमने देखना है कोई भी रिएक्शन लगाने से पहले हमने देखना है कि हमने कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, हम किस तरह उसका रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का। टू टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर आर जनरली एम्प्लॉयड, दीज आर फिजिकल एंड केमिकल मेथड, कि एक क्या हो सकता है, या हम केमिकल मेथड यूज करके उसकी रिएक्शन को स्टडी कर लें, या हम फिजिकली रिएक्शन फिजिकल मेथड से हम क्या करें रिएक्शन को स्टडी कर लें। तो केमिकल मेथड कौन से हो सकते हैं हमारे पास, इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बाय वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक टेक्निक्स। केमिकल मेथड में कौन से आ गए, या वॉल्यूमेट्रिक आ सकती है या ग्रेविमेट्रिक टेक्निक आ सकती है। वॉल्यूमेट्रिक आपको पता है कि जो आप टाइट्रेशन करते हो कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लिया, उसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम दूसरा जो टाइट्रेंट है उसका ऐड करके एंड पॉइंट निकाल देते हैं, ठीक है। या ग्रेविमेट्रिक का आपको पता है कि जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ठीक है, तो वहां से भी किसी रिएक्शन के प्रेसिपिटेट्स हम देख लेते हैं कि रिएक्शन केमिकली रिएक्शन करवा के दो सब्सटेंसेस के दरमियान में उसके प्रेसिपिटेट्स बना लेते हैं, उसको वेक कर लेते हैं, उसकी यील्ड निकाल लेते हैं, तो ये ग्रेव वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक टेक्निक आ जाती है जो कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर या केमिकल मेथड में आ जाती है। हियर इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द मेथड ऑफ एनालिसिस शुड बी फास्टर देन द रिएक्शन बीइंग स्टडीड, ठीक है। रिएक्शन जो हो रहा है उससे हमारा मेथड जो है वो फास्ट होना चाहिए, ये ना हो
कि हमारा मेथड जो है वो स्लो डिटेक्ट कर रहा है, और उतनी देर में हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट भी बना दें, फिर तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हम मेथड फॉलो करें वो डायरेक्शन की स्पीड से तेज होना चाहिए, यानी वो जल्दी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इफ हाउएवर द मेथड बीइंग एम्प्लॉयड इज रिलेटिवली स्लो, इट मस्ट बी पॉसिबल टू स्टॉप और फ्रीज द रिएक्शन। लेकिन अगर हमारे पास क्या है कि हमारा मेथड स्लो है, डिटेक्शन का मेथड स्लो है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जिस टाइम के ऊपर हमने रिएक्शन को स्टडी करना है, जैसे 5 सेकंड पे करना है हमने, तो हम 5 सेकंड के बाद रिएक्शन को स्टॉप कर दें, ठीक है। या अगर हमने 10 सेकंड पे करना है तो फिर हम उसको स्टॉप कर दें, फिर अगर हमने 15 सेकंड पे करना है तो फिर हम इसको स्टॉप कर दें, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। दिस मे बी डन बाय रैपिड कूलिंग इन आइस वाटर, एडिशन ऑफ अ इनहिबिटर और रिमूवल ऑफ द रिएक्टेंट। कि हमने रिएक्शन को स्टॉप करना है तो हम क्या करते हैं कि जितने मिनट पे या जितने सेकंड पे हमने रिएक्शन को निकालना है उसके उसको लेके उसको आइस कूल वाटर में रख दें, तो क्या होगा, रिएक्शन फ्रीज हो जाएगा या रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा या रिएक्शन जिसे हम कहते हैं सीज हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि रिएक्शन किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे प्रोसीड आउट हो रहे हैं, अगर हम उसको टेम्परेचर लो डाउन कर दें तो रिएक्शन जो है उनके दरमियान में, रिएक्टेंट के दरमियान में नहीं होगा, तो हम इजीली अपना जो सोल्यूशन है उसकी डिटेक्शन कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह कोई इनहिबिटर डाल दें या रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से रिएक्टेंट को निकाल दें तो फिर हमारे पास क्या रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो सकता है, तो हम इजीली उसको मेजर कर सकते हैं। दिस मेथड गिव्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन, और केमिकल मेथड से हमें क्या है एब्सोल्यूट वैल्यूज मिलती हैं, यानी एग्जैक्ट हमें जो है वैल्यू मिल जाएगी कि कितनी कंसंट्रेशन यूटिलाइज हो रही है और कितना रेट ऑफ रिएक्शन है। इन दिस मेथड द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय विदड्रॉइंग अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ सैंपल एंड एनालाइजिंग इट केमिकली एट डिफरेंट लेवल ऑफ टाइम यूजिंग द वॉल्यूमेट्रिक मेथड। जैसे मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही थी कि कुछ सेकेंड के बाद जो है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से 5 ml निकाल लें, उसको टाइट्रेट कर लें, तो वहाँ से क्या है एंड पॉइंट मिल जाएगा और वहाँ से हम उसकी अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूमेट्रिक मेथड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल काइनेटिक्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड हैंड बी स्टडीड एट द रूम टेम्परेचर बाय दिस मेथड। ये हमारे पास क्या इथाइल एसीटेट है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो इसे हम स्पोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, आप लोगों ने पहले इसको स्टडी भी किया होगा। लैब में हम स्टूडेंट को ये एक्सपेरिमेंट करवाते भी हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या रिएक्शन रिएक्टेंट में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये प्रोडक्ट में बना रहा है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट बन गया और इथेनॉल बन रहा है। अब हमारे पास रिएक्शन के अंदर बेस ज़्यादा है तो इसको हम टाइट्रेट करते हैं एसिड के अगेंस्ट, तो वहाँ से एंड पॉइंट निकाल के हम इसकी कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फिजिकल मेथड क्या हो सकते हैं, ठीक है। फिजिकल मेथड ऑफ एनालिसिस आर बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, विच चेंजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड, के रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, अगर तो वो हम फिजिकल मेथड से स्टडी कर सकते हैं। फिजिकल मेथड विच हैज बीन यूज्ड अंडर सूटेबल कंडीशन आर कंडक्टिविटी, के सैंपल की या सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर कर लें, ऑप्टिकल रोटेशन मेजर कर सकते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर सकते हैं, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट या लाइट स्कैटरिंग, विस्कोसिटी है, पोलैरोग्राफी है, गैस एवोल्यूशन एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सारी चीज़ें हम जो है कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं हम मेजर कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। फिजिकल मेथड ऑफ एनालिसिस हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर द केमिकल मेथड, कि केमिकल मेथड के ऊपर जो है फिजिकल के मेथड के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, दे आर रैपिड, ठीक है, जल्दी से हम फिजिकली फिजिकल चेंज आ रहा है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। सिंस द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन अ रिएक्शन वेसल द सैम्पलिंग एरर इज एलिमिनेटेड, ठीक है, सैम्पलिंग का एरर एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि केमिकल एक्शन में तो आपको क्या करना पड़ता है कि स्पेसिफिक अमाउंट लेके उसको अगेन टाइट्रेट करें या कुछ भी करें, तो वहाँ पे एरर के चांसेस हो सकते हैं, तो यहाँ पे एरर के चांसेस कम हैं। सिस्टम हैज फ्यूअर डिस्टर्बेंस, कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस जो है वो कम हो सकती है फिजिकल मेथड के अंदर, ठीक है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं हमारे पास,
दे डू नॉट गिव द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन, के एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन जो है फिजिकल मेथड में नहीं मिलती, वो हमें केमिकल मेथड में मिल सकती है. साइड एक्शन में कॉज एंड अप्रोप्रिएट एरर भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे एरर के भी चांसेस हो सकते हैं. द काइनेटिक्स ऑफ फोर्स रिएक्शन स्टडी बाय स्पेशल टेक्निक्स सच एज फ्लो मेथड, रिलैक्सेशन मेथड, फ्लैश फोटोलिसिस एंड मॉलिक्यूलर बीइंग मेथड, ठीक है. ये जो भी हम ऊपर रिएक्शन देख रहे थे, ये तो थे हमारे पास जो नॉर्मल मोड रेट होते हैं. जो फास्ट रिएक्शन होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक टेक्निक होती हैं, जैसे फ्लो मेथड है, रिलैक्सेशन मेथड है, फ्लैश फोटोलिसिस है. इन स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो फास्ट रिएक्शन है उनको भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है. अब हमारे पास क्या टर्म क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, जिसे आप क्या कहते हो, रेट कांस्टेंट कह रहे होते हैं या स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट कह रहे होते हो, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल के साथ, ठीक है. उसको डिफाइन कर लेते हैं. हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है, वी नोट दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द रेट एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस वेरी विद द टाइम. के रेट क्या होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. द डिपेंडेंस ऑफ दिस रेट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज गिवन बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन. के रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ किस तरह से हमारे पास चेंज हो रहा है, वो किस तरह डिपेंड करता है, वो हम स्टडी कर रहे होते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू, ठीक है. जो कि अगर हम इसकी स्टेटमेंट देख लें लॉ ऑफ मास एक्शन की, तो क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट The rate of a chemical reaction is proportional to the concentration of the reactants. The rate जो है वो concentration of the reactants के directly proportional है. With each concentration raised to power equal to the number of molecule of each species taking part in the reaction. कि उसकी जो जितने भी number of molecules हैं वो उसकी उससे इसकी पावर रेज करके हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है. जैसे हमारे पास सिंपल रिएक्शन है, ए प्लस बी रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो उसके लिए हम रेट क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर वन, ठीक है. ए के साथ कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब है वन है, तो इसी तरह मल्टीप्लाई करें कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वन. तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम करते हैं खत्म करते हैं तो ये कांस्टेंट आता है, जिसे हम कहते हैं ये के है हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा, रेट डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर वन एंड इंटू बी रेज टू पावर वन, ठीक है. वो वन वन जो है यहाँ पे लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है. वेयर ए एंड बी रिप्रेजेंट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी एंड K is the proportionality constant which is known as velocity constant or specific rate constant, या से रेट कोफिशेंट भी कहते हैं. If we assume that the concentration of reactant are equal to unity, के A की concentration भी unity हो, B की concentration भी unity हो, unity mean के ये दोनों हमारे पास क्या है, वन मोल पर लीटर हो, या जैसे वन मोलर सोल्यूशन A का हो और वन मोलर सोल्यूशन जो है वो B का हो, तो ये दोनों क्या हो गए, इनकी वैल्यू क्या होगी, वन इंटू वन, तो वो वन ही आएगी. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि रेट किसके इक्वल हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के. तो यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि के हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ही है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो, यूनिटी हो हमारे पास. दस द रेट कॉन्स्टेंट मे बी डिफाइन एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर यूनिटी. कि ये रेट कॉन्स्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है जब कंसंट्रेशन जो है हमारे पास रिएक्टेंट की यूनिटी हो जाती है. रेट कांस्टेंट इज एन इम्पोर्टेंट काइनेटिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइसोथर्मल रिएक्शन. की ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. द वैल्यू ऑफ के स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर. के एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जो है किसी भी रिएक्शन के लिए के की वैल्यू स्पेसिफिक हो सकती है, ठीक है. यानी अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो के की वैल्यू उसी रिएक्शन के लिए चेंज हो सकती है. इसका मतलब है कि के जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर. रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. कि ये टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, ठीक है. टेम्परेचर चेंज करने से हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. द यूनिट ऑफ के डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस यूज. के जो यूनिट जो है
सब्सटेंसेस क्या है, मीन कंसेंट्रेशन क्या रहे हैं, रेट क्या रहे हैं, तो वो हमारे पास उसी की लिहाज से हम जो है वो यूनिट ऑफ के को डिटरमिन कर सकते हैं. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ के डिटरमिन्स वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज इंट्रिंसिकली स्लो और फास्ट. ठीक, के की वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि कोई रिएक्शन फास्ट है या स्लो है. देखिए के की वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, मीन बहुत कम है तो उसका मतलब है ये स्लो रिएक्शन है. और के की वैल्यू अगर थाउजेंड्स में आए, हंड्रेड में आए, तो उसका मतलब है कि ये के की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन क्या है, फास्ट रिएक्शन है. इन अदर वर्ड्स के इज अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ हाउ फास्ट अ रिएक्शन कैन अकर इफ द रिएक्टेंट्स आर ब्रॉट टुगेदर एट अ यूनिट कंसंट्रेशन. ये हमारे पास क्या है कि कोई भी रिएक्शन कितना फास्ट है कितना स्लो है वो हम के की वैल्यू से हम डिटरमिन कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि रेट लॉ क्या होता है. ठीक है, ये छोटी छोटी टर्म्स आप लोगों ने पहले भी स्टडी की हुई है एफएससी के अंदर, तो इसलिए मैं जरा इसको क्विकली कर रही हूँ. ठीक है, रेट लॉ क्या होता है कि रेट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, को अगर हम रिलेट करें कंसंट्रेशन के साथ तो जो इक्वेशन आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन कह देते हैं. ठीक है, तो यही रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ फ्रैक्शन एंड कंसंट्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ. ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ फ्रैक्शन इज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कि हमारे पास क्या है कि कोई भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करें, वो सारे पैरामीटर्स कॉन्स्टेंट किए हुए हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, दिस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो हमें क्या बताता है, वो रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन को डिटरमिन कर रहा होता है. ठीक है, द रेट लॉ इज डिटरमिन्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, हम अपनी तरफ से तो क्या करते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहे होते हैं, लेकिन रेट लॉ एक्चुअल में बताता है कि हमारे पास क्या है कि एक्सपेरिमेंटली कैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है. मीन कि कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, कंसंट्रेशन को फोर टाइम करें तो रेट पे क्या एक्सप्रेशन आता है, वो चीज़ हमारे पास जो है वो रेट लॉ होती है. इन जनरल इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द रेट एक्सप्रेशन फॉर अ रिएक्शन बाय जस्ट नोइंग द ओवरऑल रिएक्शन और फॉर्म एनी हाइपोथेसिस. हम अपनी तरफ से या बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कंफर्म नहीं कर सकते कि हमारे पास क्या है कि किसी भी रिएक्शन का रेट क्या है, वो हम एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमिन कर सकते हैं. आगे आप देखोगे कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, जो बेसिक सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं, उनके लिए तो फिर भी हम डिटरमिन कर सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, लेकिन जो कम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं वो उसके लिए डिटरमिन नहीं कर सकते हम. द फॉलोइंग रिएक्शंस हैव सिमिलर स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशंस बट डिफरेंट रेट इक्वेशंस बिकॉज ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म. हमारे पास जो कुछ उन्होंने आपको एग्जाम्पल्स दी हुई हैं तो उनकी स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन तो सेम है, ठीक है, लेकिन उनका रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमिन कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से लिख के नहीं कर सकते. जैसे एग्जाम्पल क्या है, सिमिलर एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन है वो आयोडीन के साथ कंबाइन करे तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है. ठीक है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे 2 बन रहा है. लेकिन अगर इसी को प्रोडिक्ट करके हम हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन का रिएक्शन लिखें जिसमें हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ कंबाइन होकर HBr बना रही है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली 2 नहीं है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन में फ्रैक्शन आ रहे हैं. यानी देखे कि डी एच बी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एच रेज टू पावर 1 एंड ब्रोमीन की कंसंट्रेशन क्या है 1/2. ठीक है, तो ये क्या बन गया 1/2 प्लस 1. ठीक है, ये 1.5, यानी जिसे हम डेढ़ कह रहे होते हो कि डेढ़ रिएक्शन, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ये बन गया. ये नहीं, सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शनल ऑर्डर है. ठीक है, और साथ साथ नीचे भी है हमारे पास कि 1 प्लस के डैश एच बी आर कंसंट्रेशन ओवर बी आर कंसंट्रेशन. ठीक है, तो आप सिंपली बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के या एक रिएक्शन को प्रेडिक्ट देख के दूसरे को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ये इन्होंने एग्जांपल दी थी हमारे पास कि दोनों सिमिलर ही हैं, हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ रिएक्शन हो या हाइड्रोजन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, लेकिन हमारे पास क्या है
दोनों का एक्सप्रेशन क्या होता है वो डिफरेंट आता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ फ्रैक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रेफर्ड टू एज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द रेट लॉ। तो ये जो रिलेशनशिप है जिसमें हम रेट को और कंसंट्रेशन को आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, तो हम उसको सिंपली क्या कह सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक है, डेरिवेटिव ले रहे होते हैं डी ओवर डी टी। ठीक है, टाइम के लिहाज से उसके डेरिवेटिव आ रहा है ना, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कह सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ भी होता है। द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रेट लॉ लाइज इन द फैक्ट दैट दे प्रोवाइड कंसाइज एक्सप्रेशन फॉर द कोर्स ऑफ फ्रैक्शन। कि रेट लॉ हमारे लिए क्यों जरूरी है, कि ये हमें एग्जैक्ट जो है कोर्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। दिस एक्सप्रेशन हेल्प अस टू कैलकुलेट द रिएक्शन टाइम, कि कितने मिनट के अंदर कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, उसकी यील्ड क्या है, ठीक है, या ऑप्टिमम कंडीशन क्या है। एक्चुअली काइनेटिक्स को हम जब स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता है कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें बन रही होती हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है, थोड़े टाइम के अंदर हम ज़्यादा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, या हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं देना चाहते, या बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहते, मीन ऑप्टिमम टेम्परेचर्स या ऑप्टिमम कंडीशंस के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यील्ड यही होती है कि कितनी अमाउंट हमने यूटिलाइज की है और कितनी अमाउंट हमें प्रोडक्ट की प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सारी केमिकल रिएक्शन जो हैं ये हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर भी बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इनकी। ठीक है, इट ऑल्सो गिव अस एन इंसाइट इन टू द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, के ये मैकेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरह कोई रिएक्शन कम्प्लीट हो रहा है। तो हमने इसको अगर इंडस्ट्रियल लेवल पर कोई रिएक्शन लगाना है तो हमें उसके सारे स्टेप मालूम होने चाहिए। वन शुड रिमेंबर दैट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन मे बी एग्री विद वन अनदर एज फार एज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन इज कंसर्न। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि सिंगल स्टेप रिएक्शन हो या जो हम कहते हैं कि सिंपल रिएक्शन हैं, उनमें तो लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ का एक्सप्रेशन सेम हो सकता है, यानी जो उसके कोफिशियंट हैं वो इक्वल हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पे भी हमारे पास जो है कम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाते हैं, कम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये हम नहीं कह सकते कि उसका रेट लॉ और जो लॉ ऑफ मास एक्शन के कोफिशियंट है वो इक्वल होंगे। ठीक है, वहाँ डिफरेंट हो सकते हैं। For complex action, the rate law and law of mass action have different expression, such as हमारे पास क्या एक सिंपल एग्जाम्पल आपको दी जा रही है कि कोई भी एक रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के इन टू ए, विच हैज आइडेंटिकल रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन। की अब हमारे पास एक ही है और इसका वन मोल यूज हो रहा है। ठीक है, तो रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ इसके लिए जो है वो सेम है, क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। के हमारे पास क्या है कि अगर आपको कुछ एग्जांपल दी जाए कि ए है टू बी के साथ रिएक्ट कर रहा है प्रोडक्ट बना रहा है, या टू ए है प्लस बी है के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, या ए है टू बी है और टू सी है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू, आपको पता है इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ने क्या होना है, डिक्रीज होना है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। अब अगर उसका कोफिशियंट वन है तो वन आएगा नीचे, ठीक है, जो जिसको लिखा नहीं जाता, और इसका कोफिशियंट अगर टू है तो वो वन ओवर टू आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये इसको लिख सकते हैं, और ये इक्वल किसके है, अगर आप सिंपल एक्सप्रेशन को लिखें तो रेट में क्या हो जाएगा, रेट लॉ के अंदर क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के इन टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर टू। ठीक है, पहले इक्वेशन में, अब बी वाले के अंदर क्या होगा, सेकंड वाले में क्या होगा, कि अगर रेट को लिखें तो क्या बन जाएगा, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर टू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वन। इसी तरह सी के लिए भी आ जाएगा कि के इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर टू एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर टू बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम रेट लॉ और रेट ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि ऑर्डर क्या है। ठीक है, कि रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है एक्सपेरिमेंटली, हम उसको उस कोफिशियंट को रेट लॉ के अंदर मेंशन कर रहे होते हैं, तो वही कोफिशियंट हमारे पास ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन बन जाते हैं।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन. के जो जितने नंबर ऑफ एटम या आयंस या मॉलिक्यूल जिनकी कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंटली चेंज हो रही होती है वो उनको हम रेट एक्सप्रेशन के अंदर लिख रहे होते हैं और वो ही हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. जैसे कि हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, थ्री रिएक्टेंट्स हैं, उसके कोफिशेंट हमारे पास क्या है, ए का कोफिशेंट है ए स्मॉल ए, ठीक है, बी का कोफिशेंट क्या है स्मॉल बी, एंड सी का कोफिशेंट क्या है स्मॉल सी, और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो रेट सिंपल अगर रिएक्शन है हमारे पास तो हम इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी. देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच इज एंटायरली एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट इक्वेशन. के सम ऑफ पावर जो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो कोफिशियंट है यानी स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी को अगर हम सम अप कर लें तो ये हमें किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता देगा. ठीक है, द रिएक्शन विल बी ऑफ एथ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए. अगर हम ए के लिहाज से ऑर्डर देखना चाहें तो ये क्या होगा, जो स्मॉल ए है वो हमें बताएगा कि ये उसका ऑर्डर है ए का. इसी तरह हम कह सकते हैं कि रिएक्शन इज बी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी एंड सो ऑन. ठीक है, कि सी के लिहाज से इसका ऑर्डर क्या है, स्मॉल सी है. टोटल अगर हमने निकालना हो तो हम टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको हम एन से मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल टू सम ऑफ ए बी एंड सी. ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा. तो यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है आपको कि डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड रेज टू पावर वन. तो इसका मतलब है अगर ये रेज टू पावर वन है तो उसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सिंस द कंसंट्रेशन टर्म रेज टू पावर इज द यूनिटी, यानी कि वो वन है हमारे पास. इसी तरह हमारे पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, उसकी डिकम्पोजिशन है मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर. तो अगर ये हमारे पास क्या है कि रेट लॉ में अगर ये इसका कोफिशियंट टू आता है तो इसका मतलब है ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा. ठीक है, ऑल दो द रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर आर थ्रेटिकली पॉसिबल इट इज वेरी सेल्डम ऑफ द रिएक्शन ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन फोर एग्जिस्ट. कि थ्री भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन फोर्थ ऑर्डर बहुत रेयर है. थर्ड वाले में भी जस्ट 5 to 10 रिएक्शन ऐसे हैं जो कि जिनका थर्ड ऑर्डर होता है, वरना मोस्टली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हैं हमारे पास. हाउएवर देयर आर रिएक्शन इन विद द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो ऑफ फ्रैक्शन. कुछ ऐसे भी हैं जिनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जीरो होता है या फ्रैक्शनल भी होता है. इट मे बी नोटेड दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल विद द कोफिशियंट ऑफ रिएक्शन. कि लाजमी नहीं है हमारे पास जो है कि कोफिशियंट ऑफ रिएक्शन जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम लिख रहे हैं वो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा सेम नहीं होता. जैसे आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास अगर सिंपल रिएक्शन है तो तब तो हमारे पास ये कोफिशियंट सेम होंगे, लेकिन अगर कम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हमारे पास ये कोफिशियंट सेम नहीं हो सकते, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो ये तो था इंट्रोडक्शन में, हमने जनरल टर्म्स देखी कि काइनेटिक्स किस चीज़ से डील कर रही होती है, केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, स्लो रिएक्शन होते हैं, फास्ट रिएक्शन होते हैं, होमोजीनियस हेटरोजीनियस होते हैं. फिर हमने एवरेज रेट देख लिया और साथ इंस्टेंटेनियस रेट आ गया. फिर रेट लॉ क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल टर्म थी. तो आप लोगों ने इसको स्टडी करना है और अच्छे तरीके से रिमेंबर रखना है. ये तो था आज का लेक्चर.